बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर एफआईआर दर्ज हुई है। ओसामा पर मोतिहारी में अपनी बहन के ससुराल में मारपीट, फायरिंग और 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मोतिहारी के रानी कोठी में मंगलवार को गोलीबारी हुई। ये मामला ओसामा की बहन की ससुराल का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूँ खुशबू झा। ओसामा की बहन के ससुराल, जहां शहाबुद्दीन के समधी और उनके भाई के बीच जमीन का विवाद था, इस विवाद में बहन के ससुर के समर्थन में ओसामा अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचा था। बताया जा रहा है कि ओसामा के साथ करीब 100 लोग वहां पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच भारी बवाल हुआ। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट और बाउंड्री वॉल को गिराते दिख रहे हैं। दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन के गुर्गों ने वहां खूब आतंक मचाया, वहां जमकर कई राउंड फायरिंग हुई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दरअसल शहाबुद्दीन के समधी इफ्तिखार अहमद और इम्तियाज अहमद के बीच रानी कोठी में मार्केट बनाने को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है। इस जमीन पर मंगलवार को इम्तियाज अहमद के बड़े बेटे फरहान बाउंड्री करवा रहा था। फरहान का आरोप है कि शाम को ओसामा के साथ 35 से 40 गाड़ियों में भर कर लोग आए और काम बंद करवा दिया। जमीन के कागजात होने की बात कही गई तो भी वो लोग नहीं माने और बाउंड्री को JCB से गिरवा दिया। इसके साथ ही ओसामा और उसके आदमियों ने वहां मौजूद लोगों पर हमला भी किया। फरहान ने कहा कि ओसामा अपने समर्थकों के साथ पहुंचा, कहा कि हमें पहचानते हो, सिवान से आए हैं, शहाबुद्दीन साहब का बेटा हूं। इसके बाद फरहान पर कार्बाइन से हमला कर दिया गया। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी गई। शहाबुद्दीन के दामाद के चचेरे भाई ने मारपीट का वीडियो भी थाने में लिखित शिकायत के साथ दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। ओसामा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, साथ ही सिवान के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। मौके से एक JCB भी बरामद की गई।